हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल यानी कि आपका मोबाइल यहां पे लॉक हो चुका है दोस्तों, आप पासवर्ड भूल चुके हैं या पिन भूल चुके हैं, तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पर इतने फेक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जिन्हें आप लोग लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि अभी आप लोग आँख मूंद के मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि उन लोगों का यहाँ पे वीडियो जो चल रहा है मेरा उनके मतलब ऊपर आ जाए। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को इतना शेयर करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को लाइव दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके मैं यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं पैटर्न यहाँ पे लॉक डाला हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, मैं यहाँ पे गलत पैटर्न डाल रहा हूँ। दोस्तों, मुझे यहाँ पे पैटर्न पता है, लेकिन मैं यहाँ पे जान से मतलब यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए गलत डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोग को खोल के दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कैसे आप लोग भी इस तरह से खोल सकते हैं और आप लोग को कैसे यहाँ पे पूरा फंडा मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे गलत लॉक डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं इसी तरह से मतलब 3-4 बार यहाँ पे करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि टाइमर चलने लगेगा। जब तक टाइमर नहीं चलेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड डालता रहूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को डालना है। जो भी आप लोग यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब तक टाइमर नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को डालते जाना है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डाल रहा हूँ। जैसे ही डालूंगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से मैं डालता रहूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे टाइमर चलना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे रियल और यहाँ पे सचमुच यानी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को रियलिटी यानी कि दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे टाइमर अभी चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन करूंगा दोस्तों, मेरा यहाँ पे टाइमर चलेगा। दोस्तों, यहाँ पे टाइमर जब तक चलेगा दोस्तों, आप लोग को वेट करना है और यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप जो भी आप लोग को यहाँ पे चीज बताना होगा दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे आप लोग को 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग को इमरजेंसी कॉल मिलता है, इसके बाद आप लोग को बैकअप का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बैकअप का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे क्या करना है, बैकअप पिन पर जाना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बैकअप जो पिन लिखा है, इस पे आप लोग क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, अपने जो भी यानी कि पैटर्न सेट किए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को एक बैकअप पिन यानी कि डालने के लिए बोलता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को अगर वो पिन डालने होंगे तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से यानी कि खोल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, मैं यहाँ पे बैकअप पिन पर क्लिक कर देता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं आप लोग को यानी कि जो बैकअप पिन मैं यहाँ पे डाला था दोस्तों, उसी से मैं यहाँ पे खोल के आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग को डालना होगा। इस प्रकार से आप लोग को 4 अंक का बैकअप पिन होता है दोस्तों, उसे आप लोग को यानी कि सेट करके रखना होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जैसे ओके करेंगे, मेरे यहाँ पे लॉक स्क्रीन खुल जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे सब कुछ काम करने वाला है दोस्तों, और मेरा यहाँ पे लॉक यानी कि बिना पैटर्न का मैं यहाँ पे खोल दिया हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग खोलना है, और ये बिल्कुल आप लोग वीडियो फेंकने है दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव सारा चीज दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और इतना शेयर कीजिए कि जो लोग यहाँ पे फेक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों लोग तोड़ने का, उनसे मेरा यहाँ पे ऊपर मतलब वीडियो चला जाए, तभी आप लोग यहाँ पे मतलब अच्छे यानी कि आपको यहाँ पे क्रिएटिव मिलेगा दोस्तों, और आप लोगों को भी यानी कि अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पे देखा हूँ दोस्तों कि YouTube पर इतने फेक वीडियो बना दिए हैं दोस्तों कि मेरा यहाँ पे दिमाग ही आउट हो गया दोस्तों, वीडियो देख देख कर। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या किया था दोस्तों कि मेरा यहाँ पे मतलब जो यानी कि Samsung का था दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया दोस्तों। यहाँ पे जो यानी कि Samsung मैं आप लोगों को मोबाइल दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये Samsung मोबाइल अभी मतलब लॉक हो चुका था, लेकिन मैं इसको लॉक को तोड़ा हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हूँ दोस्तों, मैं ये सारा आप लोगों को इसलिए सेटिंग बता रहा हूँ कि अगर आपका मोबाइल अचानक अगर आप पिन भूल जाते हैं या ऐसे पैटर्न भूल जाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों एक बैकअप पिन से आप लोग अपने लॉक को खोल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सेटिंग करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ऊपर के साइड में स्क्रॉल करना है इस प्रकार से, और यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन का, इसको आप लोग को ढूंढ लेना है इस प्रकार से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन और एंड सिक्योरिटी का आप लोग ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न यानी मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे पैटर्न डाले होंगे दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, सही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे इंटर कर देना है इस प्रकार से। जैसे ही सही पैटर्न आप लोग इंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आप लोग यहाँ पे डालना चाहते हैं लोग को यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग को शो पिन यानी कि मिलता है, इसके बाद आप लोग को पैटर्न मिलता है, इसके बाद आप लोग पिन मिलता है, इसके बाद आप लोग पासवर्ड यहाँ पे नोन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न यानी कि चेंज करना है, तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न पे क्लिक करना है इस प्रकार से।
क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को जो भी यानी कि पैटर्न देना चाहते हैं इस प्रकार से दे देना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे करेंगे दोस्तों फिर से आप लोग को रिपीट कंफर्म करने के लिए बोलेगा, दोस्तों आप लोग को यहाँ पे रिपीट कर देना है। इस प्रकार से रिपीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग ऑटोमेटिक यानी कि आप लोग को यहाँ पे सेटअप बैकअप पिन आता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो भी पिन डालना चाहते हैं इस प्रकार से आप लोग को डाल देना है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग को डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों आप लोग को फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए यहाँ पे बोलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्या करना है फिर से आप लोग को यानी कि बैकअप पिन इस प्रकार से कंफर्म कर देना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग को ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे लॉक यानी कि सिक्योरिटी लग चुका है दोस्तों, और मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव प्रूफ बंद करके दिखाता हूँ दोस्तों कैसे आप लोग खोलना है। दोस्तों मेरा यहाँ पे लॉक यानी कि कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप लोग को इस प्रकार से यानी कि बैकअप पिन सेट करना होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव खोल के दिखाऊंगा दोस्तों कैसे आप लोग भी खोल सकते हैं। दोस्तों आप लोग को इस प्रकार से क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर रहे हैं दोस्तों तो आपका यहाँ पे लॉक यानी कि खुलेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे यानी कि जो यानी कि राइट यहाँ पे पैटर्न डाला था दोस्तों, मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाल रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग को 3-4 बार आप लोग को जब तक यानी कि टाइमर यहाँ पे चलने नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को डालते जाना है, डालते जाना इस प्रकार से आप लोग को डालते जाना है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से कम यानी कि यहाँ पे जब तक टाइमर नहीं चलता दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न में डाल दिया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पैटर्न यानी कि यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूं कि ये सेटिंग आप लोगों को सिर्फ सैमसंग के मिलती है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग J2 यानी कि मोबाइल में आप लोगों को ये सेटिंग मिलती है। दोस्तों आप लोग कहीं नहीं जाना, अगर आपके पास ऐसी सैमसंग का मोबाइल है तो दोस्तों आप लोग घर बैठे अपने लॉक को तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपका यानी कि आप पैटर्न भी भूल चुके हैं दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे बैकअप पिन नहीं लगाए तो दोस्तों आप लोग कैसे यहाँ पे तोड़ना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या करना है, वॉल्यूम बटन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे यानी कि पावर बटन दिखाई दे रहा है, इस यानी कि दोनों को यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों, ये दोनों को क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे भी आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करें दोस्तों वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएगा दोस्तों। आप लोग क्या करना है, नीचे से आप लोग को 5वें नंबर पे जाना है। 5वें नंबर पे जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप लोग ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग क्या करना है, कंटिन्यू करने का ऑप्शन आता है दोस्तों, वहाँ पे आप लोग एस करना होता है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन मिलता है रीसेट पासवर्ड, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके दोस्तों उसे रीसेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे रीसेट करेंगे दोस्तों वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या होगा दोस्तों कि जो भी आपके मोबाइल में जीमेल आईडी होती है दोस्तों, वहाँ पे आप लोग को डालना होता है। अगर आप लोग को जीमेल आईडी पता रहेगा तो दोस्तों आप लोग खुद स्वयं अपना लॉक तोड़ सकते हैं, वरना नहीं तो आप लोग अगर जीमेल आईडी नहीं पता है तो आप लोग को दुकान पर ले जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग को तोड़वाना पड़ेगा दोस्तों, और वहाँ पे आप लोग को पैसा भी पे करना पड़ेगा दोस्तों। ये सारा आप लोग को प्रोसेसिंग करना होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे आप लोग को यानी कि लॉक यहाँ पे बैकअप पिन यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, कि आप लोग कैसे यहाँ पे बैकअप पिन लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैकअप पिन जो सेट किया था दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं आप लोग को खोल के दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे 23 23 इस तरह से डाला था दोस्तों। यहाँ पे डालने के बाद आप लोग ओके कर देना है। इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बैकअप पिन एकदम काम कर रहा है दोस्तों, और ये बिल्कुल आप लोग को यानी कि लाइव प्रूफ में दिखाया दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इतना शेयर कीजिए कि सभी लोगों को ये जानकारी अच्छा लगे दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव दिखाया हूँ दोस्तों। आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।